कुछ लोग आपके दोस्त नहीं आपके दुश्मन होते हैं, वो आपका भला करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपका भला नहीं कर सकते। इसी तरह का एक दुश्मन जो है वो मेरा भी है। अपनी तरफ से तो उसने नेकी करने की कोशिश की है, एक लीमू का पूरा गुच्छा सा मुझे तोहफे में दिया है। अच्छा लेकिन वो मेरे काम नहीं आया। वो कैसे नहीं आया वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। ये अभी आपने स्टोरी जो है ना याद रखनी है, लीमू वाली, ठीक है। तो हमारे घर में ऐसा होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन बाद जो है चावल पके बनते हैं, पुलाव या बिरयानी जो है डिफरेंट बनती रहती है। लेकिन पिछले दो तीन हफ्तों से एक हमारे घर में मरीज है, उसकी वजह से पुलाव नहीं बन सका या चावल नहीं बन सके। और हमें आज मौका मिला था कि हम आज एक खूबसूरत से पुलाव खा सके हम लोग। तो हमने इसी सोच में मैं बाहर गया फिजान की शॉप से चावल लेके आया, फिर मैं दोबारा गया दोबारा दूसरी शॉप से चिकन लेके आया, फिर मैं दोबारा गया और दोबारा दही लेके आया, ठीक है। ये सारा सामान शामान मैं लेके आया और घर दिया। घर वाले अब चावल बना रहे हैं सारे, ठीक है, साथ में रखा हुआ है। इसी तरह वो कप में एक तरफ चिकन का यखनी सी पड़ी हुई है और दूसरी तरफ वो लीमू जो उस दोस्त ने दिए थे, उस लीमू का जो है वो जूस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अम्मी ने जो है वो डालना था चिकन की यखनी जो है वो डालनी थी उसके अंदर, लेकिन अम्मी ने जो लीमू वाला जो सारा था वो पूरा कप जो है उस हांडी के अंदर जो है उसके अंदर डाल दिया सारा। अभी सब कुछ चिल सीन है जी, सब कुछ डाल दिया हमने जी, सामान सामान सारा अंदर डाल दिया, यखनी भी डाल गई है, वो अलग बात है चिकन की नहीं है लीमू की है। और इसी तरह चल रहा है सब कुछ जी, चमचे शमचे हिल रहे हैं सारे। और उसके बाद फिर क्या होता है जी, थोड़ी देर बाद जब वो आप चावल वगैरह टेस्ट कर रहे होते हो, आप चावल टेस्ट किया जी, पता लगा ये थोड़े खट्टे से खट्टे लग रहे हैं। तो पता नहीं खट्टे क्यों लग रहे हैं, क्या वजह खट्टे लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद जी पता चलता है जी चिकन तो ये साइड पे पड़ा हुआ है और ये तो हमने लीमू जो है वो इसके अंदर डाल दिए। अच्छा फिर जी शोर मच गया जी, अब लीमू डल गए हैं, सारा कुछ हो गया। और अब मैंने जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो चावल वगैरह खा लिए हैं, चले गए अंदर सारे, वो बड़ी पता नहीं किस तरह गए हैं। और अब जो है इतने ज़्यादा चावल बना लिए, हमारे घर वैसे चावल बचते नहीं होते, आज हमारे घर पूरे जो देश का है वो बचा हुआ चावलों का। तो मैं सोच रहा हूँ कि चावल जो है वो अब हम मोहल्ले वालों में बांट दें और दोस्तों को मैं दावा पे बुला लेता हूँ, उनको चावल चावल खिलाता हूँ, उनको भी मज़ा आएगा। तो बाकी कहना आपको ये था कि सबसे जो बड़ी गलती है ना वो पता किसकी है, उस दोस्त के जिसने लीमू दिए थे। आप अपनी दुकान के चावल जो है वो ट्राई करें, दुकान के चावल, अपनी दुकान के चावल बने हुए, ये वीडियो बनाएं। चलो ना आप दावत किया भाई आपकी, हमने जल्दी कर जल्दी कर, वैसे कभी नहीं बुलाएंगे, ठीक है। जिस दिन के साथ कोई हादसा हुआ हो ना, यखनी डाली हो या टमाटर ज़्यादा डाल गए हो या शिमला मिर्च ज़्यादा डाली हो या कुछ भी ना डाला हो, ठीक है, सिर्फ चावल डाले हो, तो उस दिन बुला के लाजमी ये टेस्ट करवाना है। अच्छा जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर चाय में चीनी ज़्यादा हो जाए तो बंदा दूध ज़्यादा डाल लेता है, पत्ती ज़्यादा हो जाए तो फिर उसका भी कोई ना कोई सलूशन होता है, खाने में नमक ज़्यादा हो जाए उसका कोई ना कोई सलूशन होता है। तो आप मुझे बताएं कि एक पुलाव जिसके अंदर पूरा आधा जूस लीमू का डाल गया उसका क्या सलूशन होगा, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं आप, ताकि अगली दफ़ा ये गलती ना हो। सब्सक्राइब।